अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू माई चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। ये टॉपिक है जी रिलेशनशिप चेकअप। आज हम रिलेशनशिप चेकअप करेंगे, यानी कि मेरे पास एक रिलेशनशिप क्विज है जिसमें 8 क्वेश्चन होंगे और उनको वन बाय वन आप अपने आप से आंसर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किसका रिलेशनशिप किस हद तक स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है और कितने लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ वेला ही टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर इमोशनल क्वालिटी इन रिलेशनशिप, यानी कि आपकी इमोशनल क्वालिटी क्या है रिलेशनशिप में। आप इमोशनली हैप्पी हैं, डिप्रेस हैं या फिर आप एनशियस हैं, यानी कि इन तीनों में से इमोशनल स्टेज पर हैं इस वक्त अपने रिलेशनशिप में। ठीक है जी, सेकेंड ये कि डू यू फील सेफ टू स्पीक, यानी कि आप इस तरह से अपने पार्टनर से हर बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप फील सेफ फील करते हैं कि नहीं करते उससे बात करते हुए या उससे कुछ बताते हुए। थर्ड हमारा क्वेश्चन है डू द आर्ग्यूमेंट्स बिकम इमोशनली और फिजिकली डिस्ट्रक्टिव, यानी कि आपके बीच दोनों के बीच जो भी आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं या जो भी मसले मसाइल हो जाते हैं उनका क्या आउटकम होता है, वो इमोशनली और फिजिकली डिस्ट्रक्ट तो नहीं करते आपको। फोर डू यू रिजॉल्व एनी इशू प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ एंडिंग अप द कन्वर्जेशन, यानी कि आपके दरमियान कोई मसला आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाती है तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या फिर बात को ख़त्म कर देते हैं वहीं पर बजाय इसके हल निकालने के। वन बट अबाउट कॉम्प्रोमाइज़ इन रिलेशनशिप, यानी कि आप किस तरह अपनी रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ होता है एक स्ट्रेटजी जिस पर दोनों मिलकर एग्री करके काम करते हैं, कोई एक छोड़ देता है तो दूसरा करता है। ठीक है, यानी कि आप किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। कैन यू फाइंड विन एंड विन सोल्यूशन, यानी कि आप इस तरह से करें कुछ मेरी कुछ तेरी, मतलब इस तरह से कुछ मेरी मानी जाए कुछ तेरी मानी जाए, इस तरह पर काम करें हैं या फिर आप जो है एक ही बंदे को फॉलो करें हैं। ठीक है, फिर जिस सिक्स्थ है डू गुड टाइम्स आउट विद द बैड, यानी कि आपका जो अच्छा गुजरा हुआ वक्त होता है आप उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बुरा वक्त आप गुजारते हैं वो ज़्यादा हैवी होता है। सेवन क्वेश्चन है जी डू यू वर्क टुगेदर विल हैव ईच अदर बैक एंड केयर अबाउट ईच अदर हैप्पीनेस, यानी कि आपको टीम वर्क किस तरह लगता है, आपको साथ में काम करना किस तरह लगता है और आप एक दूसरे के पीछे सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, या फिर आप एक दूसरे की खुशी के लिए काम करते हैं या नहीं करते। एट वन लास्ट वन डू यू वॉन्ट टू कीप द रिलेशनशिप विद योर लाइफ टाइम और वुड यू चेंज, यानी कि कीप और चेंज, आप इसको कीप करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक किसी भी रिलेशनशिप में। आपको पता होना चाहिए कि आप इस चीज़ को कैरी कर सकते हैं फर्दर के नहीं कर सकते, इसके बारे में आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, वरना सारी चीज़ें फजूल हैं। इफ़ यू हैव ऑल द आंसर इन द पॉजिटिव वे देन यू हैव 100% स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर लव्ड वन, यानी कि अगर आपके सारे आंसर जो हैं वो पॉजिटिव में है, यानी आपके सारे आंसर पॉजिटिव में आए इन सारे क्वेश्चन के बाद, क्या है आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपके लिए 100% है। बट इफ यू आर कंफ्यूज्ड और नो क्लियर कट आंसर टू दीज क्वेश्चन देन यू हैव टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, यानी कि अगर आपके पास इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं है या क्लियर जवाब नहीं है, आप कंफ्यूज्ड हैं इन सारे मामले में, तो अभी आपके रिलेशनशिप को काफी टाइम चाहिए और आपको उस पर वर्कआउट करना होगा। ये थी मेरी आज की मजेदार सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।